के लिए। आईएमए के प्रेसिडेंट को भी फोन लगाया जाए और बिल्कुल जरा ठीक उनका कह रहे व्यू हैं। लीजिए ना, हाँ उनका मिस ठीक कह क्यों रहे कर हैं। रहे हैं? हाँ होगा, आप निश्चिंत रहिए आदरणीय मिश्रा जी, ये निश्चिंत होगा। कोर्ट एक ने मिश्रा ये कह जी बोल सकते दिया हैं। कि आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सबसे निर्धारित गंभीर नहीं विषय है और मैं पांडे जी को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार के बारे में बोलूंगा। देखिए सर नहीं दिखाइए मत, अब आप सुनिए, आप दिखाइए मत, आप सुनिए पांडे जी। और वाकई में एके मिश्रा जी ने जो बात कही है कि एक डॉक्टर अगर इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है और अगर कोई मरीज आ जाता है, मान लीजिए कोई बुजुर्ग आ जाए, मान लीजिए कोई महिला आ जाए या फिर छोटा बच्चा आ जाए, अगर इतना शॉर्ट टेम्पर्ड कोई डॉक्टर है तो ये इलाज कैसे करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सर अब विलंब के ही कारण कीजिए प्रभु। एके मिश्रा जी क्लोजिंग कॉमेंट। प्राइम टाइम विद राशिद देख रहे हैं आप, नमस्ते, मैं राशिद डॉक्टर। चलिए डिबेट की हम शुरुआत करते हैं। मेरे सहयोगी अजितेश अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अजितेश, मेरे कैमरामैन अरशद भी उनके साथ में हैं, अखिल हैं, सैयद मुतकी, ये वो टीम थी जो पहुंची हुई थी दादरी में इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, बहुत स्वागत है आपका। 100 बार ये बात बोलूंगा, एके मिश्रा जी बोल सकते हैं आप। राशिद देखिए, जो टीवी पे ये सारी चीजें दिख रही हैं, बड़ा गंभीर विषय आपने उठाया है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सब लोगों ने मिस कर दी है, जितने भी एनालिस्ट या विशेषज्ञ और नेता लोग बैठे हैं। सबसे पुराना पेशा और सबसे नेक पेशा डॉक्टर है, इंसान के उद्भव के साथ ये शुरू हुआ है। सुषेण वैद्य को भी बुलाया था तो उन्होंने अपने दुश्मन की सेवा की। यहां पे अगर ये चीजें सही है, विवेचना में सही पाई जाती हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों होनी चाहिए, उसके पीछे लॉजिक सुनिए। पहला, किसी भी मरीज के लिए सबसे पहली जो दवा होती है वो डॉक्टर का बोल बचन और व्यवहार होता है, और जिस डॉक्टर का बोल बचन और व्यवहार ऐसा हो तो वो मरीज को दवा क्या देगा, ठीक क्या करेगा, सेवा भावना अनुपस्थित है। सबसे बड़ी मिसिंग कड़ी आपने पुलिस को जोड़ लिया, मंत्रियों को, सबको जोड़ लिया। इनका एक एसोसिएशन होता है आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो इनका रजिस्ट्रेशन करता है। इनको पढ़ाते वक्त ओथ दिलाई जाती है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की इनको जो है पढ़ाई करवाई जाती है कि इनका बिहेवियर एज ए डॉक्टर कैसा होना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी आप फोन पे लीजिए, अभी अगर तनख्वाह बढ़ानी हो तो सारे डॉक्टरों को फोन करके बुला करके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हड़ताल और धरना प्रदर्शन करता है। यहां पे भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ये इथिकल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके द्वारा सर्टिफाइड डॉक्टर अगर ऐसा बिहेवियर करता है, अगर ये सही पाया गया तो वो क्या एक्शन लेते हैं, और 3 स्तरीय कार्रवाई होनी चाहिए अगर जांच में सही पाया गया। पहला, जो आपने बोला कि क्रिमिनल, वो पुलिस करेगी। दूसरा, शासन और प्रशासन यानी सीएमओ और चीफ मिनिस्टर वगैरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करेंगे। और तीसरा जो कार्रवाई होनी चाहिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऐसे डॉक्टरों का बहिष्कार करे, उनकी डिग्री जो है वापस ली जाए और उनको प्रैक्टिस करने से मना किया जाए, बैन किया जाए। और इस बेसिस पे नहीं कि नॉलेज है कि नहीं, इस बेसिस पे मना किया जाए कि बीइंग अ नॉलेजेबल डॉक्टर, बीइंग अ एक्सपीरियंस डॉक्टर, यू आर बैन टू परसू फॉर योर मेडिकल प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन बिकॉज ऑफ इथिकली मोरली बिहेवियर वाइज आप फिट नहीं है टू ट्रीट अ पेशेंट और टू ट्रीट अ पर्सन। आपने पूरे इतिहास के सबसे नोबल प्रोफेशन के ऊपर धब्बा लगाया है। ये होना चाहिए लॉजिक और ये 3 स्तरीय कार्रवाई की डिमांड करनी चाहिए। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी फोन लगाइए, अभी उनसे पूछिए कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। शासन प्रशासन की बात छोड़ दीजिए, अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास जरा सा भी इथिक्स और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बची होगी, यही लोग इनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, सबसे पहले इनका यूनियन है, तो सबसे पहले वो ऐसे डॉक्टरों को अगर ये गलत है वो जांच करें, 1 दिन 2 दिन 4 6 दिन ले लें और हमेशा के लिए बैन करें। सम सच काइंड ऑफ द पर्सन दे आर नॉट फिट फॉर द प्रोफेशन, स्पेशली मेडिकल के लिए। आईएमए के प्रेसिडेंट को भी फोन लगाया जाए और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लीजिए ना, उनको मिस क्यों कर रहे हैं? वही तो इंडियन मेडिकल आईएमए के मेडिकल एसोसिएशन के इनके पितामह हैं। प्रेसिडेंट को भी फोन लगाया जाए ताकि हम उनसे ये समझें कि ऐसे ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस क्यों ना कैंसिल करें, उनके खिलाफ क्यों ना, बेस्ड ऑन मोरल बैकग्राउंड। आप नॉलेज और वो सब छोड़ दीजिए, मोरल बैकग्राउंड के बेसिस पे ये लोग क्या ट्रीट करेंगे पेशेंट्स को। प्रशांत पाठक जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप, ये प्रगतिशील डॉक्टर हैं क्या? प्रगतिशील स्टेट में, प्रगतिशील राज्य में अगर स्वास्थ्य की बात की जाए और अगर जमीनी सच्चाई दिखाने की कोशिश की जाए, जमीनी हकीकत बताने की कोशिश की जाए, तो क्या जान हथेली पर रखकर के ही जाएंगे क्या हम पत्रकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके FM न्यूज के चैनल पे इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ कि जिस तरीके से
हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ को एक तरीके से मारने पीटने का जो काम इन लोगों ने डॉक्टरों ने किया है ये एक बड़ा निंदनीय कार्य है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें 24 घंटे 36 घंटे जैसा वक्त कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरे सबसे बड़ा गंभीर विषय अभी मैं सभी की बात सुन रहा था, अभी एके मिश्रा जी ने बोला बड़ी अच्छी बात बोली कि इसको जो है मेडिकल एसोसिएशन को इनका लाइसेंस केवल मोरल बेसिस पे इनको लाइफ लॉन्ग बैन किया जा सकता है। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि समझ नहीं आ रहा कंडक्ट का इन्होंने फॉलो नहीं किया जो कि सबसे पहले इनको पढ़ाया जाता है, ओथ दिलवाई जाती है कि इनको मरीज के साथ कैसा बिहेव करना है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो खड़ा होता है प्रशासनिक व्यवस्था पे। जो सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में है उसको उसका क्या स्टैंड है उस पर सबसे बड़ी बात होती है। पहली बात आप देखिए, जैसे ही सरकार बनी गोरखपुर में 52 बच्चे मारे जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते हैं, उसमें एक डॉक्टर की लापरवाही रखी जाती है, इसके अलावा बाकी सभी को क्लीन चिट दे दी जाती है, चाहे वो CMO हो या चीफ मेडिकल ऑफिसर हो या और भी जो भी संबंधित अधिकारी हो, जिला अधिकारी हो, कोई कह रहा है ट्रेजरी से पैसे नहीं आए, ऑक्सीजन का बिल बकाया था, तो इनकी जिम्मेदारियाँ कौन तय करेगा। रही बात डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों का व्यवहार हमेशा शोभनीय कई मामले में देखा गया है कि आप देखिए ना कि जब कैमरा पर्सन के साथ में और एक मीडिया के एक पर्सन के साथ में इस तरीके की घटना होती है तो आम व्यक्ति जो दबा कुचला गरीब जो व्यक्ति जाता है उसकी स्थिति क्या होती है। वो जाता है डॉक्टर साहब जरा देख लीजिए, तो उसको साइड से उनके कुछ जो होते उनके जो वेल विशर्स होते हैं डॉक्टर के आ जाते हैं, बोले आप एक काम करिए यहाँ मत दिखाइए, आप चलिए डॉक्टर साहब के घर देख लीजिए, यहाँ आपको जी इतनी निंदनीय घटना है। हॉस्पिटल जैसे पवित्र जगह को इन्होंने लड़ाई का अखाड़ा बना लिया। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं बात वही ले जाना चाह रहा था। मिश्रा जी आप बात सुनिए, मेरा कहने का मतलब यही है कि हर डॉक्टर जो भी सरकारी डॉक्टर आप देखिए, आप प्राइमरी में उस पर देखिए जो गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र खुले होते हैं डॉक्टर लिखा रहता है, वहां डॉक्टरों की 3 दिन की ड्यूटी दी जाती है। सीनियर डॉक्टर 3-3 दिन करके वहां पर डे बाई डे आते हैं, सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है। आप कभी भी किसी भी प्राइमरी उसमें आप किसी भी और हमेशा वहां पे कंपाउंडर आपको इलाज करते हुए मिलेंगे। अशोक पांडे जी, यूपी में अस्पताल बदहाल तो न जाने कितनी हम रिपोर्ट दिखा चुके हैं, लेकिन डॉक्टर का मानसिक दिवालियापन ये रिपोर्ट पहली बार हमने दिखाई है। ऐसा मानसिक दिवालियापन डॉक्टर मानसिक रूप से धन्यवाद। यूपी की आबादी के लिए 47,000 डॉक्टर की जरूरत है, केवल 20,000 यहां पर डॉक्टर है ये तो हाल है। सरकारी अस्पताल में 3500 लोगों के लिए एक बेड है ये तो हाल है। 821 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केवल 24,630 बेड हैं ये तो हाल है। 3,621 PHC में बेड की संख्या केवल 14,484 है ये तो हाल है। क्या मैं ये मानूं कि यूपी बीमार है? राशिद सबसे बड़ी बात जो एम्बुलेंस यूपी गवर्नमेंट ने चलाई थी, अशोक जी को एक बार सुनते हैं। एक बार अशोक जी को सुनते हैं, अशोक जी आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। मेरा जवाब ले लीजिए, अभी 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 जो आपने बताया है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ये दृढ़ निश्चय कर चुकी है कि इसमें डॉक्टर सही अच्छे व्यवहार वाले होने चाहिए। आप KGMO में चले जाइए, डॉक्टर ऐसे संखवार है, उनका व्यवहार है, उनका व्यवहार के साथ उनके इस तरह से हाथापाई करने वाला डॉक्टर आप कह रहे हैं कि अच्छे व्यवहार वाला होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज मेरी टीम के साथ गाली गलौज करने वाला डॉक्टर आप ये कहते हैं कि अच्छे व्यवहार का होना चाहिए। मेरी टीम का कैमरा तोड़ने वाला डॉक्टर आप ये कह रहे हैं कि अच्छे व्यवहार का होना चाहिए, ये आप सुनिश्चित कर रहे हैं? अजितेश ये बताइए, जब इतनी हाथापाई होने लगी आप लोग वहां से बच के निकले कैसे? अजितेश सबसे पहले हमारा मोटिव ये था कि दरअसल डॉक्टर साहब जो कैमरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो तस्वीरें कैद हुई थी हम उसे बचाएं, क्योंकि पहला हमारा धर्म था वो सच्चाई दिखाना। हम लगातार कोशिश में थे, डॉक्टर साहब की गालियां जो मधुरवाड़ी थी लगातार कानों में जा रही थी, हम सिर्फ ये कह रहे थे डॉक्टर साहब कैमरा अशोक जी रुक तो जाइए, कोशिश कर रहे अशोक जी मेरे सहयोगी को सुन तो लीजिए, बेचारे जान बचा करके आए हैं, उनको एक बार के लिए सुन लीजिए आप। अशोक जी सुन लीजिए, हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे कि हमारा कैमरा बच जाए तो हम उन तस्वीरों को बचा लें जो आप बाद में दर्शकों को दिखाएं जी। और लेकिन डॉक्टर साहब की मधुरवाड़ी गालियां लगातार हमारे कानों में जा रही थी, कैमरा लगातार टूट रहा था हमारी आंखों के सामने और हम डॉक्टर साहब के हाथ पकड़े हुए थे, डॉक्टर साहब कैमरा छोड़ दीजिए। लेकिन इस बीच हमने जोर लगाया कि आप प्लीज कैमरा छोड़े, हम जैसे तैसे उस कैमरे को छुड़ा पाए और वहां से हटे हैं, वहां से भागे, क्योंकि दरअसल डॉक्टर साहब सीधे धमकी दे रहे थे जान से मारने की, धमकी दे रहे थे केस कराने की। हमने अपना कैमरा छुड़ाया और सीधे हम दादरी कोतवाली गए, क्योंकि पहला मोटिव था कि कम से कम हमारा कैमरा बचा पाए। लेकिन अफसोस है कि जो पूरा वाकया था वो उस कैमरे में कैद नहीं हुआ, बैटरी गिर गई, कैमरा टूट गया और डॉक्टर साहब अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। धमकी उनकी लगातार जारी थी, इस तरह से हम बड़ी मुश्किल से कैमरे को बचाते बचाते वहां से बाहर निकल पाए।
अशोक जी, प्राथमिकता में रखा जा रहा है। अशोक जी पूरा हो गया? अली अब्बासजादी रुश्दी जी अब आप बोल सकते हैं। अली अब्बासजादी रुश्दी जी आप बोल सकते हैं, आप बोल लीजिए, बोलिए बोलिए। राशिद भाई गंभीर मसला है, चीखने चिल्लाने से बेहतर है कुछ बातें। अरे भाई बात तो रख रहा हूँ ना, आपने आरोप पे आरोप लगाए, मैं कहना चाहता हूँ मेरी पूरी बात होनी चाहिए। आज पार्किंग में सुधार हो रहा है, पर्चियाँ कंप्यूटराइज बनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कितने बननी शुरू हो गई थी, इसमें आपने कौन सा नया कार्य कर दिया? आप सभी जगह पे पर्चियाँ कंप्यूटराइज, पर्चियों से क्या मरीजों को सुविधाएं मिल जाती है? आप जाकर के मेडिकल कॉलेज की स्थिति देखिए जाके जनाब, वहाँ पे लोग दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, बाहर मेडिकल स्टोर मुद्दा ये है ही नहीं, एक बहुत मुद्दा ये है ही नहीं, मुद्दा मेरी टीम के ऊपर जानलेवा हमला है, मुद्दा मेरी टीम के साथ गाली गलौज है। सर रुकिए, चीख चिल्लाहट नहीं चुकी मेरी। देखिए एक बात बता दूं आप लोगों को, सर एक बात बता दूं आप लोगों को, मेरी टीम के साथ में बदतमीजी हुई है, और अगर आप लोग डेविएट करने की कोशिश करेंगे ना, अगर आप डेविएट करने की कोशिश करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। रुश्दी जी आप बोले, उसके बाद एके मिश्रा जी आप बोलिएगा। रुश्दी जी अपनी बात पूरी करें आप। मैंने इसकी निंदा पहले, पांडे जी रुकिए, अशोक पांडे जी रुकिए। खंबा है, हाँ, इन्होंने जिम्मेदारी निर्धारित की उस डॉक्टर को करने का काम कोर्ट ने किया कि आपने उसकी रिस्पांसिबिलिटी इसको निर्धारित। गंभीर विषय है और मैं पांडे जी को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार के बारे में बोलूंगा। देखिए सर, नहीं दिखाइए मत, अब आप सुनिए, आप दिखाइए मत, आप सुनिए पांडे जी। जी, इथिक्स की बात करने वाली, स्वच्छ आचरण की बात करने वाली सरकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाली सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार जो यूपी में है, मैं बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से क्राइम के खिलाफ तुरंत इनकाउंटर करवाते हैं योगी जी, ये इथिकल क्राइम है, ये आचरण का क्राइम है एक नोबल प्रोफेशन में, तो तुरंत आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर ये चीजें सही है, इस पे क्या जवाब देंगे सर आप? जीरो टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट आपकी सरकार का कहां पे गया? ये मरीज आप ये देखिए, जो डॉक्टर इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है तो मरीजों को वो कैसे ट्रीट करेगा? मूड में नहीं रहती, ये योगी जी की सरकार है, जहां भी जिस मामले में गलत कोई पाया जाएगा सख्त से सख्त कार्रवाई करने का। अब विलंब के ही कारण कीजिए प्रभु, अब विलंब के ही कारण कीजिए कि आपकी सरकार में होगा, आप निश्चिंत रहिए आदरणीय मिश्रा जी, ये निश्चिंत होगा। आदरणीय हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई में डॉक्टर अंदर बैठी हुई है लेडीज, और 150 लेडीज की लाइन लगी रहती थी, और उसमें एक औरत बेहोश होकर गिर गई सपा की सरकार में, और वो बीमार हो गई, सारे लोग इकट्ठे हुए, आंदोलन हुआ, असंवेदनशीलता रहती थी इनकी सरकार में। अशोक जी आप आंकड़े बताते रहिए, आप कागज पे लेकर के आंकड़े बताते रहिए, दो मिनट का छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूँ सर, रुक जाइए एक मिनट, 2 मिनट का छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आकर के आप सभी अपनी बात कहिएगा। अशोक जी आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ, और वाकई में एके मिश्रा जी ने जो बात कही है कि एक डॉक्टर अगर इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है, और अगर कोई मरीज आ जाता है, मान लीजिए कोई बुजुर्ग आ जाए, मान लीजिए कोई महिला आ जाए, या फिर छोटा बच्चा आ जाए, अगर इतना शॉर्ट टेम्पर्ड कोई डॉक्टर है तो ये इलाज कैसे करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये माना जाए डॉक्टर साहब बीमार है? डॉक्टर मदन इनका नाम है, गुंडागर्दी पर उतारू हो गए, बार बार एक ही बात हम कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करते हैं, मेरी टीम डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करती है, डॉक्टरी पेशे की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस तरह के डॉक्टर जो जानलेवा बन जाएं, इस तरह के डॉक्टर जो हमलावर बन जाएं, इस तरह के डॉक्टर जो एक जिम्मेदार न्यूज चैनल की टीम पर हमला कर दें, इनकी हम निंदा करते हैं। यूपी में आपको स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की मिल रही हैं, ये जानने के लिए, रिपोर्ट दिखाने के लिए मेरी टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकली। मेरे सहयोगी अजितेश मिश्रा निकले कैमरामैन के साथ में, अपने पूरे क्रू मेंबर के साथ में। दादरी पहुंचे, वहां पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, जैसे ही कैमरा ऑन हुआ वहां के डॉक्टर को नागवार गुजरा, उसके बाद फिर हाथापाई भी करने लगा, गाली गलौज भी करने लगा, और इसी पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। एक बार फिर से हम डिबेट को ओपन कर देते हैं। अजितेश मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरामैन अरशद को आप साथ में लाइव लें, जिनके साथ ये बदसलूकी हुई थी, एक बार अरशद को साथ में लेकर के आइए और अरशद से पूछिए कि उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था, किस तरह से उन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन की, कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद क्या हुआ, क्योंकि इन तस्वीरों में बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि बहुत ही शराफत के साथ में अरशद रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपना कैमरा हटाने की और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अरशद, यहाँ जानना चाह रहे हैं कि दरअसल पूरा घटनाक्रम कैसे
और डॉक्टर का पहला रिएक्शन क्या रहा, कैसे आपने कैमरा बचाया बड़े संयम के साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब गालियों की बौछार कर रहे थे, हाथापाई भी कर रहे थे, कितना कैमरे का नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ? देखिए हम लोग वहाँ पे रिपोर्ट करते थे, सैयद हमारे जो थे वो वॉक थ्रू कर रहे थे, जो जो वहाँ पे सिचुएशन थी उसको बया कर रहे थे। हम इमरजेंसी से निकल के वार्ड रूम में जब घुसे, इंटर किया हमने, वहाँ पे पीछे से एक इंसान आते हैं, पता चलता है डॉक्टर हैं, वो सीधे कैमरे को पकड़ लेते हैं हाथ से। उन्होंने बात नहीं किया? नहीं, कोई बात नहीं की, बस एक रट लगाए हुए थे, मैं कैमरा तोड़ूंगा, कैमरा मुझे दे, ये लैंग्वेज थी उनकी। शराब के नशे में थे, उनके एक दो दोस्त भी थे जो कि उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये आवाज आ रही थी हमारे कानों में, लेकिन वो नहीं रुके क्योंकि शराब का नशा इतना ज्यादा चढ़ा हुआ था। सिर्फ एक ही रट लगाए हुए थे, मुझे कैमरा दे, हम प्लीज प्लीज करके उनसे बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर साहब हम लोग मीडिया वाले हैं, आप प्लीज छोड़ दीजिए, कैमरा छोड़ दीजिए आप। वो जब जितनी बार बोलते थे उनसे कैमरा छोड़ दिया, वो हमको गाली में हमको आंसर देते थे। पूरा शॉट भी है जो वो डिलीट हो गया है। डिलीट की मैं वजह दिखाना चाहता हूँ आपको, डिलीट क्यों हुआ है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा इन्होंने डैमेज किया है, पूरा तोड़ दिया है। उसके बाद कैमरा ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में था, जिस टाइम बैटरी निकली है, बैटरी निकलने से की वजह से, क्योंकि चिप वाला कैमरा है, बैटरी निकल गई तो वो फाइल पूरी करप्ट हो गई, रिकवर नहीं हो पाई फाइल। यही स्थिति रही थी क्योंकि अब हमारे पास लगभग एक 6 मिनट का और शॉट था जो मेन था, जिसमें आप सैयद वॉक थ्रू कर रहे थे, बता रहे थे, और अचानक से डॉक्टर साहब पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने वो कैमरा तोड़ दिया और उससे वो शॉट भी हमारे पास अब नहीं है। बल्कि हम चाहेंगे कि अगर जांच एजेंसी अगर जांच करती भी है, अगर उन्हें कैमरा भी चाहिए, वो चिप भी चाहिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भी अगर भेजना है तो वो भेज सकते हैं। जो दवा 70 रुपए की है वो 7 रुपए की मिलती है। प्रशांत जी, आप एक जिम्मेदार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पर मेरे साथ इस डिबेट में बैठे भी हैं। 3 दिन का वक्त दिया गया है, एक दिन गुजर चुका है, अगर 48 घंटे में और कोई एक्शन नहीं होता है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एक नेता होने के नाते, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो 3 दिन का समय ही बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से आपकी आपने ये फुटेज टीवी चैनल पे आपने दिखाई, तो इसमें कायदे में अगर सीएमओ अगर इस बात की को संजीदगी से नहीं ले रहा है तो इसमें एक पशु बनता है कि चाहे तो वो जो प्रदेश के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं वो एक्शन ले सकते हैं, सो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन ले सकते हैं, चूँकि यहाँ अभद्रता आज चैनल वाले के साथ भी, कल आम पब्लिक के साथ भी होती होगी, किस तरीके से वहाँ मरीज जाते होंगे, जाते भी होंगे कि नहीं जाते होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा विषय का है, या डॉक्टर साहब ने उसको अपना उस हॉस्पिटल को अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा, जिस तरीके से आपके कैमरा पर्सन कह रहे हैं कि वो नशे में धुते थे, तो जो व्यक्ति समाज को रोग रहित होने की जानकारी देता है वो खुद जो है अवसाद से ग्रसित हो, वहाँ पे खुद नशे में ग्रसित हो, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप इलाज की बात हम कर कहाँ सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी मैं अनुराग भार्गव जी का बयान सुना था, मुझे बड़ा अचंभा लगा इस बात का कि एक जिम्मेदार पद पर, एक प्रशासनिक पद पर होने के बावजूद, एक चीफ मेडिकल होने के बावजूद जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो आप, और आप इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हो कि हम डॉक्टर का आचरण समझेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे, आप क्या समझेंगे? जब वो आज की डेट में एक मीडिया पे, देखिए आप समझिए ना कि मीडिया भारत का एक चौथा स्तंभ है जो हर तरीके से आपको सच्चाई दिखाने का काम करता है, आप उसी पे ही आप अटैक कर रहे हैं, तो आम पब्लिक जो गरीब तबका, मैं वही कह रहा था, गरीब तबका जाता है क्या है, आप जाइए आप पर्चे की बात करिए तो ये होगा कि भैया उनका कंपाउंडर निकल के आएगा, बोले भैया डॉक्टर साहब को पर्सनली दिखाना है, बोले 100 रुपए दे दीजिए, इसके बाद मेडिकल, आप अभी बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे थे कि दवाएं अस्पताल में बहुत मौजूद है, आप स्वयं जाकर के किसी दिन एक गरीब अपने कपड़े फाड़ के और पहुंच जाइए, दवाओं की बात छोड़िए, अगर आपको एक सरदर्द की टेबलेट मिल जाएगी तो मैं जीवन में आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं। एके मिश्रा जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, जो फर्स्ट एड होता है वो डॉक्टर का बिहेवियर, उसका मधुर व्यवहार और वाणी होता है। जीरो टॉलरेंस, हमारे गवर्नमेंट ने, योगी जी का ये उद्घोष वाक्य है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, मैं बोलता हूं ये बिहेवियरल करप्शन है सर, मैं पांडे जी को बोलना चाहता हूं, और सरकार के मुलाजिम का, सरकार के एम्प्लॉय का, यानी सरकार का ये एक तरीके से बिहेवियरल करप्शन है, आप इसको जांच करिए। आज इन्होंने मीडिया की टीम के साथ किया है, कल किसी ऐसा एक मरीज के साथ ये कर देते तो पता नहीं उस मरीज के साथ क्या हो जाता। आप लोग बिहेवियरल अप्रोच को क्यों नहीं अपनाते हो सर? सरकार है और जो जिम्मेदार ऑफिसर है, क्या बिहेवियर में करेक्शन नहीं होना चाहिए? बिहेवियर के लिए गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए? हर चीज टीवी पे दिख रही है और 3 दिन 4 दिन जांच, सर इतना सुस्त क्यों जांच करने में? सर ये सब जांच तो इमीडिएटली 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। ये कि 3 दिन में जांच क्यों? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने अपने विभागीय स्तर से जो भी कहा है वो तो ठीक है, सरकार के पास ये बात जाएगी और निश्चिंत जान लीजिए बहुत जल्द से जल्द तगड़ी कार्रवाई होगी। और आदरणीय मिश्रा जी, आप यकीन मानिए कि इस सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस,
और ये नीति लागू रहेगी, कायम रहेगी। मेरा कहना दूसरा है सर, मैं बिहेवियरल करप्शन, बिहेवियरल करप्शन की बात कर रहा हूं सर। प्रताप जी कह रहे थे नेताओं के, मंत्रियों के, सरकारी अधिकारियों के जो बिहेवियर में इंप्रूवमेंट होना चाहिए उसके लिए क्या पनिशमेंट है मिस बिहेवियर के लिए? इन सारी चीजों को, इन सारे चीजों को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। विनम्रता और शिष्टता को ही यहाँ पर अपनाना होगा। अली अब्बास ज़ादी रुश्दी जी, आपका क्लोजिंग कमेंट है, ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, हमने दिखाई गुंडागर्दी, ये कहते हैं सब बेहतर कर देंगे, लेकिन डॉक्टर जो है जानलेवा हमला कर देते हैं। हमारे सपा के और अली अब्बास ज़ादी रुश्दी जी काम करने वाले लोग, रुश्दी जी बोल सकते हैं आप, रुश्दी जी बोल सकते हैं आप, आज उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव सर रुक जाइए, ठीक है ओके, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि हार्ट अटैक का, हार्ट अटैक की जो दवाई थी, जो छल्ले डाले जाते थे, ठीक है, 70,000 के थे वो मोदी सरकार ने उसको 7,000 में किया है, ठीक है, जो 25,000 के छल्ले आते थे आज वो 40,000 में मिल रहे हैं। गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा कैसे प्राप्त हो, ये उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, ठीक है। मिश्रा जी, प्रशांत पाठक जी, अशोक पांडे जी, अब्बास अली ज़ादी रुश्दी जी, प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।